हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें ट्रांसफॉर्मर का हमने पार्ट वन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पार्ट टू। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मर एक्शन रिक्वायर्स एन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जब पूछता है तो उससे आप कुछ ऑप्शंस को इलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक एन लगा हुआ है। ठीक है, एन के बाद ऑब्वियस सी बात है वॉवेल ही आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी डी होना चाहिए। ऐसे भी आप चाहें तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर एक एक्शन जो रिक्वायर्स एन, देखिए हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो क्योंकि जानते हैं आप कि यहाँ पर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें फैराडेज लॉ लगाना है, फैराडेज लॉ क्या होता है? इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो अगर हमें फैराडेज लॉ लगाना है तो ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब फ्लक्स क्या हो? टाइम वेरिंग हो। ठीक है, तो उसके लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका मतलब इसका आंसर होगा सी पार्ट, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ ट्रांसफॉर्मर इज फेड फ्रॉम अ 220 वोल्ट्स एंड डीसी सप्लाई, ठीक है, रादर देन अ सिंगल फेज एसी सप्लाई, देन द ट्रांसफॉर्मर विल, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होता है बर्न इट्स वाइंडिंग। ठीक है, क्यों होता है इसको समझिएगा मामला। कि अगर हम डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है, आप जानते हैं अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, तो जो रिएक्टेंस ऑफर्ड होता है अगर हम उसको 2 पाई FL लिखें तो वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है? वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो इसका मतलब जो सर्किट है या जो वाइंडिंग है उसमें क्या बचा? केवल रजिस्टेंस बचेगा। ठीक है, और रजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होती है, ठीक है, बहुत स्मॉल होती है। तो इसका मतलब कि जो करंट होगी दैट विल बी लिमिटेड ओनली बाय द स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए जो करंट की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत हाई। और क्योंकि आप जानते हैं कि डी सप्लाई है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो डी फाई बाई डी टी जीरो होगा। इट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस्ड भी जीरो होगा, तो लोड में कोई करंट जा नहीं रही होगी, तो जो अमाउंट ऑफ करंट जो हाई है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका वाइंडिंग आपकी बर्न हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑयल फिल्ड ट्रांसफॉर्मर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इज फॉर, ठीक है, इसका आंसर क्या है? कि ऑयल जो होता है, ऑयल कैन बी यूज नॉट ओनली फॉर कूलिंग, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर द इंसुलेशन फ्रॉम द मेटेलिक पार्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंसुलेशन फ्रॉम द मेटेलिक पार्ट्स। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट होगा, बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी लेमिनेट ट्रांसफॉर्मर कोर टू रिड्यूस, आप जान लीजिएगा लेमिनेशन जब भी हम करते हैं वो हम करते हैं किसके लिए? एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ स्टील या आयरन यूज करते हैं। ठीक है, कोर यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि जो लेमिनेशन होता है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है लार्जर एरिया। ठीक है, ये लार्जर एरिया प्रोवाइड करेगा, उससे होगा क्या? सो दैट द करेंट पाथ इंक्रीजेस, तो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। कौन सी करंट? एडी करंट जो होगी आपकी वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर मैच्ड करेक्टली, तो याद रखिएगा कि कोर फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे, ये बात सही है। दूसरी बात क्या है? लीकेज फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड ऑन द करेंट फ्लोइंग इन द रिस्पेक्टिव वाइंडिंग। ठीक है, जो लीकेज फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करेंट फ्लोइंग इन द रिस्पेक्टिव वाइंडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट, 1 और 2 दोनों मैच किए हुए हैं।
इन केस ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करेंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करेंट, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो होता है वो होता है आपका 2 to 6%, ठीक है। क्यों होता है ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो एयर गैप होता है, एयर गैप इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जब एयर गैप बहुत स्मॉल होगा इन द ट्रांसफार्मर, तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जो नीडेड है, ठीक है, टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स, ठीक है, दैट इज 2 to 6% ऑफ द रेटेड करंट। ओके, इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय, ठीक है। आपने देखा था कि जब हमने ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाया, ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने फाई को रेफरेंस लिया। बेसिकली ये क्या होता है, फाई एम होता है, मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा था कि नो लोड करंट आई नॉट इक्वल्स टू क्या होती है, कोर लॉस कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इनका वेक्टर सम। तो अगर आप इसको बनाएं तो ये मान लीजिए आई एम है और आई सी मान लीजिए ये है। इसका अगर हम पैरेललोग्राम से एडिशन करेंगे तो देखिए इसका जो रिजल्टेंट आता है आई नॉट, ठीक है, वो आई नॉट देख सकते हैं। और ये क्या होता है आपका ऑलमोस्ट वी वन इक्वल टू माइनस ई वन इन द केस ऑफ नो लोड, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज ई वन, लेट्स से दिस इज ई टू, जब एन टू ग्रेटर देन एन वन हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये लगभग देखिए वोल्टेज से, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज से करंट जो नो लोड करंट है वो लगभग 75%, 75 डिग्री के अप्रॉक्स लैग कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट, अबाउट 75%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 400 by 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम ऑन इट्स एलवी साइड। देखिए एलवी साइड क्या है, ये क्या है आपका एलवी साइड है, ये क्या है आपका एचवी साइड है। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं हो रही है, ऐसे समझेंगे। और एलवी साइड में अगर हम बात करें, ठीक है, या इसको मान लीजिए अगर इसको वन मान लेते हैं, इसको अगर हम टू मान लेते हैं, तो बेसिकली आर टू दिया हुआ है 0.04 ओम। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन इट्स एलवी साइड द रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू एचवी साइड वुड बी, तो इक्विवेलेंट सर्किट आपको मैंने बताया था, ठीक है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे। मान लीजिए अगर आपको आर टू दिया है, आपको क्या निकालना है, प्राइमरी साइड जब जाएंगे तो क्या बनेगा, वो आर टू डैश हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या बनता है, आर टू ब्रैकेट लगाना होता है, स्क्वायर लगाना होता है। और देखिए किधर जा रहे हैं हम, देखिए उसमें लिखा है कि एलवी से हम एचवी जा रहे हैं, इसका मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एन वन बाई एन टू करेंगे। किधर जा रहे हैं हम, प्राइमरी साइड जा रहे हैं यानी एचवी साइड जा रहे हैं, तो एचवी ऊपर होगा और एलवी नीचे होगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यूल गेट, यह आ जाएगा आपका 200, 400 by 200 मतलब 2 का स्क्वायर, आर टू वैल्यू कितनी है 0.04, तो हो जाएगा 4 into 0.04, सॉल्व करेंगे तो 0.16 ओम आता है। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस रेफर टू एच वी साइड, आंसर हो जाएगा आपका 0.16 ओम, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जाइजिंग द ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी फ्रॉम अ ट्राइंगुलर वेव फ्लक्स। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो साइनसॉइडल ना होके ट्राइंगुलर है। देखिए हम जो पढ़ते हैं वो हमने पढ़ा था कि फाई इक्वल टू, हमने फाई एम साइन ओमेगा टी पढ़ा था, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लक्स क्या है, ट्राइंगुलर वेव है। द आउटपुट वोल्टेज विल बी, तो देखिए हम जानते हैं फैराडे का लॉ क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। जब डी फाई बाई डी टी करेंगे, ठीक है, तो ट्राइंगुलर यहां पर है तो वो क्या आएगा, स्क्वायर वेव आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 का लास्ट पार्ट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज। देखिए मैंने आपको बताया था अभी फेजर डायग्राम में भी बताया था कि फ्लक्स जो भी हम यूज करते हैं वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, क्योंकि हम बोलते हैं क्या है, फाई मैक्स, ठीक है। तो देखिएगा याद रखिएगा कि फाई इज ऑलवेज टेक इट्स पीक वैल्यू इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन केसेस, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन
केसेस। और वैसे भी आपने ईएमएफ का जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था 4.44 F φm N। यहाँ φm क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, सो दिस इज दी 10 क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पार्ट टू। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको और शेयर करें जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये चीज़ पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।